हेलो बच्चों, हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, यू ऑल आर हेल एंड हार्टी। सो आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल उड़ान बैच। माय नेम इज तान्या शर्मा, आई एम टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। Alright, so this is the last chapter of Udaan. By this, we have completed our coursework of economics and political science. This is the last part of outcomes of democracy, जो कि एक part हम already कर चुके हैं. So this is the like summing up of the chapter and conclusion of the chapter altogether. Alright, so we'll revise एक बार फिर से. Alright, the fly high questions सबने आंसर ठीक किया था. बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, but anyway जितने लिखते हैं सबका ठीक था. So in the context of assessing democracy, which among the following is the odd one out? Democracies need to ensure, of course, free and fair elections hote hain, dignity of individual hoti hai, but majority rule nahi hota, right? Democracy mein majority rule to nahi hota na? Alright, so this is the wrong, which means this one is the odd one out. Equal treatment before law, this is also right. And sabka answer bilkul theek tha. Very good everyone. All right, so let's without wasting any time, let us start once again. Democracy, अब तक तो हमें समझ आ गया है, democracy is people's own government. इसका मतलब क्या है कि people choose their leaders. All right, तो इतना हमें समझ आ चुका है कि democracy क्या है. democracy एक ऐसी form of government है जहाँ पे जो leaders choose किए जाते हैं वो कौन करता है? पीपल चूज करते हैं. पीपल चूज देयर ओन लीडर्स. ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर एक तरह से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे. ठीक है, और आउटकम्स का मतलब हमें पता है कि आउटकम्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, जजमेंट, राइट? तो अगर हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, हम यहाँ से आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात पे. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आई एम नॉट राइटिंग डेमोक्रेसी, इट इज ऑलरेडी रिटन देयर. तो आउटकम्स क्या होते हैं, जजमेंट होती है. जब एग्जाम होता है हमारा, नॉर्मल कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है, एक होता है ना रिजल्ट आना है, जजमेंट होनी है. तो दैट इज कॉल्ड द आउटकम, उसका रिजल्ट, जो हमने पूरा पढ़ाई की है, अपना टाइम लगाया है, उसका आउटकम क्या है. तो दैट इज आउटकम. किसके आउटकम की बात कर रहे हैं हम? डेमोक्रेसी के आउटकम की बात कर रहे हैं. ऑल्सो डेमोक्रेसी के जब आउटकम की बात कर रहे हैं, हम क्या चीजें करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम देकर आए, ठीक है, आउटकम तो चलो आएगा लेटर ऑन, जब पेपर चेक होगा हमें मिलेंगे. बट ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि हमारे 70% मार्क्स आएंगे, कि चलो मेरे 65 आ सकते हैं, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन है अपने एग्जाम से. ऑफकोर्स, तो डेमोक्रेसी के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. So expectations, ठीक लिखे expectations की spelling? Okay, expect करते हैं expectations. ओके, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सर्टन चीज डेमोक्रेसी, कितनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे, बट उससे पहले जब हम चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आउटकम्स एंड एक्सपेक्टेशंस. ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशंस पहले आता, ऑफकोर्स एग्जाम करते हैं, एग्जाम होता है, एक्सपेक्टेशंस कब आती है, जो हम एग्जाम कर लेते हैं, आउटकम से पहले. तो कहीं ना कहीं आउटकम एंड एक्सपेक्टेशंस आर इंटरलिंक्ड. ऐसा तो नहीं है ना एग्जाम नहीं किया बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम में हम गए नहीं, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया. एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ, जब तक एग्जाम नहीं देंगे, आउटकम का वेट नहीं करेंगे, तब तक एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? हमने पेपर ही नहीं दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे 60% मार्क्स आ जाएंगे, मुझे बी ग्रेड मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है. जब तक एग्जाम नहीं देंगे तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम्स आर इंटरलिंक्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको बोलेंगे दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरलिंक्ड है. अब एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये देखना है, ओके, एक्सपेक्टेशंस के पहले हमें ये देखना है कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा था कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स में बहुत महान है, प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है, हम इस डिलेमा में हैं, इस चीज़ के अंदर हैं, ऑफकोर्स कि हम प्रिंसिपल्स तो डेमोक्रेसी की देखते बहुत अच्छे, लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज़ रॉन्ग. तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, जो हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, एक्सपेक्ट क्या करें वो हम देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन से पहले हमारे को आ जाता है डिलेमा. और ये डिलेमा क्या है, दिस इज अ डिलेमा. डिलेमा इज that democracy की बात हो रही है ना, it feels or it is seen good in principle, principle में बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगता है democracy की बात करके, लेकिन it is not so good in its practice.
नॉट सो गुड इन इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में ये सही नहीं लगती हमें. प्रिंसिपल में महान, बहुत अच्छी, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट सो गुड. प्रैक्टिस में सही नहीं होती. कभी भी हैव द टेंडेंसी, कुछ भी कहीं पर भी गलत होता है, हम कहते हैं भाई डेमोक्रेसी गलत है, बट दैट इज रॉन्ग. ठीक है, ऑफकोर्स डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेज आर रॉन्ग. हमें जो ऑफकोर्स प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर चलना है, तो ऑफकोर्स डेमोक्रेसी हर जगह ठीक रहेगी. राइट, ओके. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है हमारी डेमोक्रेसी से? बहुत ज़्यादा रहती है. कहीं पर डेमोक्रेसी खड़ी उतरती है, कहीं पर खड़ी नहीं उतरती. सो लेट्स सी व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी. राइट विद ओके. एक्सपेक्टेशन सबसे पहले हमारी ये रहती है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसी है. ये हमने पिछली क्लास में आई गेस पढ़ लिया है, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट. इसके अंदर आते हैं हमारे कि वो रिस्पॉन्सिव है, कि वो क्या है, अकाउंटेबल है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिम. ऑलराइट, लेजिटिमेट है या नहीं. ऑलराइट, सो सेकेंड एक्सपेक्टेशन हमारा क्या आता है डेमोक्रेसी से, दैट इज जो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो नहीं हो पाई थी. सीन ओवर द लास्ट 50 years कि जो डिक्टेटरशिप थी या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी. डजेंट मीन कि यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते, पर इतना नहीं कर सकते. राइट, द थर्ड विच वी विल स्टडी इज inequalities equality and poverty. ये हम पढ़ेंगे, तो जगह भी नहीं है. और राइट, ठीक है, equality and poverty reduction. ठीक है, ये पढ़ेंगे एंड उसके बाद वी विल स्टडी दीज आर एक्सपेक्टेशंस. ओके, लेट अस डू वन थिंग, एक्सपेक्टेशंस को हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे वी हैव गॉट दिस आइडिया कि एक्सपेक्टेशंस क्या है. वी विल राइट द एक्सपेक्टेशंस इन द नेक्स्ट स्लाइड. इट्स गेटिंग मेसी. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट Alright, so we're talking about expectations. Expectations kiski? Expectations from the democracy. Expectations. Alright. So let's start. Hamari first expectation kya thi? Quality of government. Ki quality kaise hoti hai, which we have studied. That is, a government should be accountable. It should be responsive to the needs of the people and it should be legitimate. ठीक है? Next, which we have already studied was economic growth and development. Okay, next is reduction of inequality. Poverty. Okay, the next one is all right,
द नेक्स्ट वन इज अकोमोडेशन ऑफ accommodation of social diversity. And the last one is dignity of individuals. ठीक है, तो इसमें हमने ये समझना है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या है. ये एक्सपेक्टेशंस जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशंस, राइट, ठीक लिखा है ना. ओके, एक्सपेक्टेशंस ये है कि डेमोक्रेसी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी चीज है कि क्या गवर्नमेंट इस पे खड़ी उतरती है, लाइक द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी इस पे खड़ी उतरती है या नहीं. सो दिस क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट वी हैव स्टडीड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी हैव स्टडीड. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द थ्री डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. इज डिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, व्हिच वी विल सी कि रिडक्शन होती है या नहीं होती है डेमोक्रेसी के आने से. देन अकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी की, डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डाइवर्सिटी विच मीन्स जो डाइवर्स है, जो अभी पढ़ेंगे ऑफकोर्स कि जो जितनी हमारी इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते, क्या वो उसको कैटर कर पाती है, येस और नो. एंड देन इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या डिग्निटी, क्या फ्रीडम, क्या वो रिस्पेक्ट जो इंडिविजुअल्स के होते, क्या वो मेंटेन हो पाती है इन डेमोक्रेसी, येस और नो. सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी विच वी एक्सपेक्ट. ठीक है, लेट्स सी नाउ. ऑफ कोर्स, ओके, सो दिस इज अ पेंटागन. यहाँ पे हम पांच चीजें पढ़ेंगे अबाउट, हमें ये तो पता है ना कि डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आइडियल तो नहीं है, बट इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी नो दिस. सो डेमोक्रेसी इज अ is a better form of government. ठीक है, but better form of government क्यों होती है, we will see. Because number one, it promotes equality. Equality को promote करती है. Okay, it enhances dignity. Enhances dignity of individuals. ये क्या है, इसके principles भी बोल सकते हैं हम, और ये भी बोल सकते हैं कि ये better form of government है. Alright, enhances dignity, dignity. Enhances dignity of individuals. Alright, so it promotes equality, enhances dignity of individuals. Alright, next is provides provides the okay enhances enhances the dhyane. फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउज द रूम, ये सब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि हमारी इक्वालिटी को इंक्रीज करती है, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को मेंटेन रखती है, और हमारे पास ही, हमारे पास क्या रहता है, लाइक द पीपल हैव द रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. ठीक है, हम अपनी मिस्टेक्स को खुद करेक्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज ये हो गया प्रमोट्स इक्वालिटी, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारे इंडिविजुअल्स की डिग्निटी मेंटेन होती है, अलाउज द रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. हम जो मिस्टेक करते थे कई बार लीडर्स को नहीं चूज कर पाते, ठीक, सो वी हैव दैट, मतलब हमारे पास जो ऑटोनॉमी होती है कि नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट चूज दैट पर्टिकुलर लीडर. उसके बाद इट ऑल्सो इम्प्रूव डिसीशन मेकिंग प्रोसेस. उससे क्या होता है, हमारा डिसीशन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है. ठीक है, और एक और चीज, कॉज सबसे इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी क्या करती है, यस, डेमोक्रेसी करती है सारी, हेल्प्स टू रिड्यूस और प्रोवाइड्स की क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को, दिस हैपेंड,
resolve conflicts. Okay, so this is how democracy, हमें पता है, just we are doing revision, democracy is a better form of government than the other forms of government. ठीक है, with this we have done the revision of the entire thing, entire chapter, पूरे chapter का revision भी कर चुके हैं एक तरह से हम. It's just that कि हमें complete करना है, so we will do it with the reduction of inequality without wasting any time. Board work में time is वो हो गया है. All right, so reduction of inequality and poverty. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी क्या, किस चीज में हम इक्वालिटी देती है. डेमोक्रेसी गिव्स इक्वालिटी इन, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है बाय द वे. तो डेमोक्रेसी गिव्स अस इक्वालिटी इन, किस में इक्वालिटी देती है हमें, हमें देती है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है. ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है. ऑफकोर्स स्टार्टिंग में जब, इसलिए मैंने रिवाइज कराया था, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी वी आर द पीपल हु चूज आर लीडर्स, तो दिस इज द इक्वालिटी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लीडर अपने चूज कर सकती, कोई और नहीं चूज कर सकता. विच मीन्स कि एवरी पर्सन हियर ऑफकोर्स इन द कंट्री कैन, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना कि एवरी पर्सन इन द कंट्री कैन चूज द ओन लीडर्स, विच मीन्स कि डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है. राइट, पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब हम सब इक्वल है बिफोर द लॉ. उसको नहीं पता, डेमोक्रेसी को नहीं पता कि एक वुमेन है या मैन है, नॉट जेंडर के बेसिस पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कास्ट के बेस पे नहीं है, रिच पुअर के बेस पे नहीं है. एवरीवन बस अबव द 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से बड़े होने चाहिए, 18 ईयर्स होने चाहिए, यू कैन चूज योर ओन लीडर, यू कैन वोट. सो पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है लाइक पीपल कैन चूज देयर ओन लीडर्स. राइट, सो इस चीज के अंदर देर इज नो इनइक्वालिटी, इन अनइक्वल नहीं है इसके अंदर. ठीक है, तो यहां पे अनइक्वल नहीं, यहां पे सब कुछ इक्वल है. बट कहां पे अनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी आती है हियर ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है, विच इज द हार्श रियालिटी. हार्श रियालिटी क्या है, ऑफकोर्स रिच आर ऑन द टॉप एंड दोज हु आर बॉटम एट द बॉटम आर पुअर. ऑफकोर्स जो रिच हैं, वी हैव सीन दिस, दे आर डे बाय डे इंक्रीजिंग, एंड पुअर हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. रिच आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, तो मतलब बढ़ रहे हैं, रिच हैं वो भी बढ़ रहे हैं, पुअर है वो भी बढ़ रहा है. पॉवर्टी एक ऐसी चीज है विच वेन आई वॉज टीचिंग क्लास 9th प्रिंट में, यू नो आई वॉज लिटरली डिसहार्टेंड कि पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है, बेसिक जो बेसिक इनइक्वालिटी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं रहने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. क्या होता है, फूड, शेल्टर, कपड़े, जूते, बेसिक बेसिक चीज़ें, पीपल डजंट गेट दैट. तो ऑफकोर्स पॉवर्टी ज़्यादा हुई ना, पुअर लोग ज़्यादा है ना, तो विच मीन्स कि यहाँ डेमोक्रेसी हमारी इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पाती. तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक अनइक्वल है और डेमोक्रेसी इस चीज को नहीं कैटर कर पाती है. सो दिस इज द हार्श रियलिटी. तो दिस इज इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी इज नॉट सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द रिडक्शन, ओके, ऑफ इक्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाती, रिडक्शन ऑफ इनइक्वल, जो अनइक्वल चीज है, जो अनइक्वल है उसको नहीं मेंटेन कर पाती, प्लस पॉवर्टी रिमेन्स देयर. और एक और चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी हमने शायद क्लास 9th में पढ़ा था, पॉवर्टी एज अ चैलेंज में. वेन एवर जब इलेक्शंस होते हैं, जब यू नो उस टाइम आता है कि हाँ लीडर्स को चूज करने, तो पुअर पीपल, द पॉवर्टी, जो बेसिक, जो नीचे लोअर लेवल के लोग होते हैं, दे आर द मेजर वोटिंग बैंक फॉर द लीडर्स. लेकिन आफ्टर दैट, बहुत आपने ये बहुत सुना होगा, इवन देर इज अ चैप्टर ऑल्सो, क्लास 11th में जाओगे, देर इज अ चैप्टर ऑल्सो इंग्लिश के अंदर. सो कहाँ पे होता है, दे मेंटेन द वोट बैंक. जब वोट बैंक बन जाता है, ऑफकोर्स जब वो लीडर्स बन जाते हैं, सो बहुत ही कम लीडर्स होते हैं जो उनके नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को केटर कर पाते हैं. बट अदरवाइज इट्स ऑल कि बस वोट मिल गए, लीडर बन के, दैट्स इट. तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ उस पॉवर्टी, जो बेसिक पॉवर्टी लाइन के भी नीचे हैं, उनको ऊपर बढ़ावा दिया जाए, विच इज़ वेरी लेस. तो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखना है कि डेमोक्रेसी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिडक्शन ऑफ इनइक्वल, जो इनइक्वल है इकोनॉमिक,
उस चीज के अंदर बेसिक जो हमारा हमने क्वालिटी को हमने बोली अब इकोनॉमिक को उसमें वो इज नॉट सक्सेसफुल. In reducing the inequalities and poverty. ठीक है, इसका example भी है. एक country है बांग्लादेश which is बहुत ज्यादा poor लोग रहते हैं बांग्लादेश में. बहुत ज्यादा पुअर लोग रहते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वहां पे एंड यू नो व्हाट कि ऐसे कंट्रीज दे फॉर द फूड सप्लाईज आल्सो दे डिपेंड ऑन द रिचर कंट्रीज. तो इतनी हालत खराब हो जाती है. सो डेमोक्रेसी डज नॉट केटर द नीड ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज. किस चीज में वो इक्वल है? इक्वालिटी इक्वालिटी देती है जहां पे लोगों को मौका मिलता है अपने लीडर्स को चूज करने का. दैट्स इट. यहां पे वो इक्वालिटी देती है. दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी. बाकी इकोनॉमिक मोर इनइक्वालिटी प्रोवाइड करती है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. अब ये तो डाइवर्सिटी इज वेरी यू नो अच्छी चीज होती है जब भी हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं. सो थिंग इज सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्स, बहुत सारा. अब जब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे क्रीड के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, बहुत सारी यू नो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, उनको इकट्ठा करना, एक ही जगह पर इकट्ठा करना, उनकी नीड्स को कैटर करना, दैट इज कॉल्ड सोशल डाइवर्सिटी. दैट इज केटर्ड बाय डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी उनकी नीड्स को कैटर भी करती है, प्लस जो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उनकी भी देखभाल करती है. एक तो सोशल डाइवर्सिटी हो गया, उसका मतलब कि बहुत सारे डाइवर्स पीपल हैं. डाइवर्सिटी है सोशल बैकग्राउंड्स में. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट डेमोक्रेसी केटर्स दैट. सो अकोमोडेशन उनको अकोमोडेट करती है डेफिनेटली. सो यहाँ पे हम इसको थम्स अप देंगे बिकॉज डेमोक्रेसी, ये हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, डेफिनेटली करती है. ओके, ऑफकोर्स हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था बेल्जियम का एग्जाम्पल. बेल्जियम ने यही तो किया था ना. हम लेंगे एग्जाम्पल किसका? बेल्जियम का. बहुत ही हार्मोनियस वे में सोशल लाइफ मेंटेन होती है. बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अब ऑफकोर्स ना जब हम क्लासरूम में भी होते हैं देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट रिलीजन होता है, बड़ी सारी चीजों में लोग अलग होते हैं, हाइट वाइज होता है, बड़ी सारी चीज होती है. इन अ क्लास की बात कर रही हूँ मैं. व्हेन एवर यू आर इन अ स्कूल, ऑफकोर्स इंडिया में या किसी और कंट्री में अगर हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट. इंडिया के अंदर कितने हैं? बहुत सारे रिलीजन है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी लैंग्वेज स्पीक की जाती है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक है हमारे यहाँ पे ना, कि कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं. उन सब में डेमोक्रेसी, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट. तो उसमें हमने इकट्ठा अकोमोडेट किया हुआ है और अच्छे से निभा रहे हैं उसको. सो दैट इज कि डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डाइवर्सिटी अच्छे से अकोमोडेट हो जाती है. लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम. हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें यही था ना कि बहुत सारे जो दो तरह की अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस थी, अच्छे से उन्होंने बेल्जियम ने मेंटेन किया था. ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, श्रीलंका ने बट मेंटेन नहीं किया था. अब यहीं से हम देखते हैं श्रीलंका ने क्या किया था. श्रीलंका ने बोला था, श्रीलंका, ठीक है, एग्जाम्पल वॉज बेल्जियम. अब नाउ वी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है. अब इसके अंदर हमें यह सीखना है कि मेजोरिटी, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां पर मेजोरिटी रूल नहीं होता. वहां पर किसका रूल होता है? ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. तो ऐसा तो नहीं है कि मेजोरिटी रूल महान माना जाएगा. सबसे पहले मेजोरिटी रूल महान नहीं माना जाएगा इन अ डेमोक्रेसी. और दूसरी बात ये कि अगर मेजोरिटी रूल आप देख भी रहे हो कि हाँ मेजोरिटी है, तो किसी रिलीजन के बेस पे या कम्युनिटी के बेस पे मेजोरिटी नहीं देखी जाएगी. विच मीन्स कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी नीड टू वर्क टूगेदर इन ऑर्डर टू रन अ डेमोक्रेसी, नॉट टू रन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक बनाना अपनी कंट्री को, अच्छे से मेंटेन करना उसके प्रिंसिपल्स, तो साथ मिलकर काम करो ना. जैसे इंडिया में यू नो देयर इज अ डाइवर्सिटी, कितने सारे यू नो रिलीजन हैं. आई गेट वेरी अमेज्ड व्हेन आई सी दिस थिंग. सो विच मीन्स कि हमारे जब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को केटर किया जाता है, विच मीन्स कि दैट इज अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी. बट श्रीलंका में क्या होता है, मेजोरिटेनिज्म के चक्कर में इट वॉज नॉट सो पीसफुल. तो अगर उसको पीसफुली लेके जाना है, हारमोनियस वे में करना है, तो इकट्ठे कर काम करो. ठीक है, तो मेजोरिटी, ओके आई विल राइट हियर कि अगर मेजोरिटी आप देख रहे हो, सो मेजोरिटी है भी, अगर ऑफकोर्स किसी देश में हो जाती है कई बार मेजोरिटी, सो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शुड वर्क टूगेदर इन अ डेमोक्रेसी. Majority and minority in a democratic फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और है ना डेमोक्रेसी. अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका के एग्जाम्पल में. अगर हम देखते हैं कि श्रीलंका के एग्जाम्पल में तो एक ही चीज थी, दैट वॉज मेजोरिटेरियनिज्म. ठीक है, अब ये जो मेजोरिटेरियनिज्म थी, ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पीसफुल नहीं किया था, है ना. एक हमने अगर चैप्टर एक बार देखना, एक बार फिर से रिवाइज करोगे तो देखना, वहां पे एक वॉयलेंट वॉर भी होता है. तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, वॉयलेंस में बदल जाता है. तो इन ऑर्डर टू कर्ब दैट, दैट इज रॉन्ग है वॉयलेंस होना, कॉन्फ्लिक्ट होना. तो क्या मतलब देश अच्छा तो नहीं, पीसफुल नहीं है, मतलब अंदर से वाइब्रेशन भी एकदम लो हो जाती है जब वॉर होता है, या कुछ ऐसा लगता है कि दंगे हो रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है. तो कितने ये वर्ड्स अपने में ही कितने भारी वर्ड्स और कितने नेगेटिव वर्ड्स है ना. मैं बोलूँ कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और क्या है वॉर. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मैं बोलूँ पीसफुल, हारमोनियस, कितने अच्छे वर्ड्स है. विच मीन्स इसका मतलब ये है कि हाँ, डेमोक्रेसी में जब सोशल डाइवर्सिटी मेंटेन होती है तो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. तो अगर हम श्रीलंका वाला एग्जाम्पल देखें तो इसमें मेजोरिटेरियनिज्म थी, बट अगर हम मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी साथ में काम करें तो वहां पे भी पीसफुली काम हो जाएगा. और ऑन टॉप ऑफ दैट, एक तो मेजोरिटी रूल नहीं होना चाहिए, प्लस सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए, और ऑन द टॉप ऑफ दैट कि कम्युनिटी रिलीजन के ऊपर तो और भी नहीं होना चाहिए. कैसे होते हैं मेजोरिटी ना, रिलीजन होते हैं, कम्युनिटी होती है, रिलीजन सो नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू यू नो मेंटेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अच्छे से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. तो विच मीन्स कि मोटा मोटा यही हमने समझा कि यहाँ पे इसको ये हमारी एक्सपेक्टेशन खरी उतरती है. डेमोक्रेसी ऑफकोर्स अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी. ये हमने इंडिया का एग्जाम्पल देखा, बेल्जियम का देखा, तो हमने पढ़ा ही था. और श्रीलंका में नहीं हुआ था, अच्छा पीसफुल नहीं था, हारमोनियस नहीं था, बिकॉज वहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो हो रहा था, मेजोरिटी रूल फॉलो हो रहा था, जो कि यूजुअली नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, टेंशन्स आते हैं, और क्या वॉर होता है, वॉयलेंस हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता. सुनने में तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता, प्लस सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, प्लस हो जाए तो और अच्छा नहीं लगता, राइट. तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस. And the last one is dignity and freedom of citizens. Of course, very, very, very important. ठीक है, जब हमें इज्जत मिलती है, जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ हमें यू नो हमारी डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है कि हाँ हमारी कोई इज्जत है, वहाँ पे हमें काम करना पसंद है, राइट. वहाँ पे हमें रहना भी पसंद है, वहाँ पे हम खुश भी रहेंगे. बट ऑन द अदर हैंड कि एक जगह पे जब आप रह रहे हो, वहाँ पे आपकी कोई इज्जत भी नहीं है, वहाँ पे आपको कोई सराहा भी नहीं रहा है, प्लस आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही, आप अंदर से ही बुझ जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, राइट. तो यही है कि एक देश के अंदर या एक कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर वो आपको सप्रेस कर रही है, ठीक है, रिप्रेस कर रही है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते हो, आपके वो प्रेशर डाल रही है, फ्रीडम नहीं है आपके पास, तो आप भी पनप नहीं पाओगे उस वे में. बट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर आपको फ्रीडम भी मिल रही है, आप हर इंसान के लेवल पे देखे जाओगे. हम यहाँ इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल वे में बात कर रहे हैं कि अगर जेंडर की बात देखें, वुमेन भी उतनी ही इक्वल है बिफोर द लॉ जितना एक मर्द है, जितनी वुमेन उतना ही मैन है, मैन है वुमेन है, तो सेम इक्वल लॉ के आगे सब कुछ बराबर है. तो वहां पर कितना मजा आएगा ना रहने में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जिसमें एक एम्पावरमेंट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि
डेमोक्रेसी के अंदर हमारी डिग्निटी इनहैंस होती है, हमको फ्रीडम मिलता है. लाइक एज अ सिटीजन, अगर मैं डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कंट्री में रह रही हूँ, आई फील मोर एम्पावर्ड. मुझे मेरे को मतलब ऐसे झुक के नहीं जीने का, मतलब जीने का वो है कि मुझे डर के रहना है या मुझे गवर्नमेंट से डरना. ऑफकोर्स आई हैव माई ओन से, मेरा यहाँ पर राइट है, मेरा हक है. तो विच मीन्स कि ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक ऑफकोर्स जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ये चीज़ कैटर होती है. सबसे पहले तो यही हमें, आप यही देख लो, सबसे पहले वी हैव द अथॉरिटी या वी हैव यू नो द पावर टू चूज आर लीडर. सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे कितना सही आ जाता है ना. उसके बाद यहाँ पे एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कोई ऊंचा नीचा नहीं है. ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जरूर है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इट इज डिफरेंट कि वो होती है नहीं होती, बट बिफोर द लॉ सब इक्वल है. अगर एक लड़का वोट कर सकता है तो एक लड़की भी वोट कर सकती है. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा वोट कर सकता है, दूसरा रिलीजन भी वोट कर सकता है. एवरी, एक तो सोशल डाइवर्सिटी होगी, कैटर करते हैं, और सोशल डाइवर्सिटी से नेक्स्ट आता है कि हर इंसान की डिग्निटी मेंटेन हुई है कि हम, हमारे पास यू नो वी आर रिस्पेक्टेड हियर, हम रिस्पेक्ट की जाती है हमारी. तो ऑफकोर्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी एनहांसेस, एनहांस करती है उसको, डिग्निटी ऑफ सिटीजन. अगर आप ये देखो कि पहले के जमाने में ऑफकोर्स वुमेन थी उनको सप्रेस किया जाता बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, बट नाउ इफ यू सी वी आर हियर इन 2021, राइट. सो यहाँ पे अगर आप वुमेन प्लस अगर हम कास्ट की बात करें, मैं ये नहीं कहूंगी इट इज टोटली गॉन, बट यस अगर हम इसे कंपेयर फ्रॉम लास्ट यू नो अ लॉट ऑफ लाइक 20-30 ईयर्स पहले से भी बात करेंगे, इनफैक्ट थोड़े टाइम 5-10 साल से भी पहले बात करेंगे, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. तो ये टू थिंग्स आपके बुक में भी है, बट इसके अलावा भी सर्टेन थिंग्स जो हमें लगता है कि हमें फ्रीडम है, वी आर फ्रीडम टू डू, वी आर फ्रीडम टू यू नो बड़े सारे, वी हैव अ राइट टू स्पीच ऑल्सो. सो दिस इज ओनली पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सबसे पहले ये, सबसे पहले. और दूसरी बात ये कि जो वुमेन, अगर हम सर वुमेन को देखें तो देर इज दैट दे आर नो लेस देन मैन. ऐसा नहीं है कि मैन है तो इनको फेवर किया जाएगा, वुमेन है. एंड ऑल्सो हमें ये भी बताया ना कि कितनी सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन, राइट. उसमें क्या है, वुमेन को एम्पावरमेंट मिलती है. ऑफकोर्स कास्ट, कास्ट का भी है कि ऑफकोर्स इनको सीट्स इनकी भी रिजर्व है ऑफकोर्स. तो इससे क्या है कि क्या दे रहे हैं हम इनको, नीचा नहीं दिखा रहे कि दीज आर वीकर सेक्शन, वी आर एम्पावरिंग देम. इससे क्या होता है, एम्पावर, एम्पावरमेंट हो रहा है यहाँ पे इनको. एक लेवल, सबका लेवल सेम दिखाने के चक्कर में वी हैव गिवन देम एम्पावरमेंट. सो दिस इज द ओनली थिंग, ऑफकोर्स डेमोक्रेसी, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी, दिस इज राइट, दिस इज फेयर एक्सपेक्टेशन. तो हम बोलेंगे दिस इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन, ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑफकोर्स ऐसी ही कंट्री में रहना चाहोगे वहाँ पे जहाँ पे इज्जत नहीं है, जहाँ पे यू नो आपको फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते खुल के. कुछ कर नहीं सकते खुल के का मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जाके कुछ भी कर रहे हो, विच मीन्स कि यू हैव सर्टन राइट्स. इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इफ यू सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, तो आपके पास कुछ राइट्स होने चाहिए. यू कैन यू नो यू कैन हैव योर ओन हाउस, यू कैन लिव पीसफुली. तो वहाँ पे आपको कोई हिंडर नहीं करेगा, यू नो आपको कोई यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा. बट ऐसी जगह पे जब आपको फ्रीडम ही नहीं कुछ बोलने का, कुछ काम करने का, राइट टू वर्क, कुछ भी, तो आप उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे. आपको लगेगा कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड आपको जहाँ पर फ्रीडम भी मिले, आपकी डिग्निटी भी मेंटेन हो, पॉलिटिकली यू आर सीन इक्वली बिफोर द लॉ, कि आपको यू आर इक्वल पॉलिटिकल एरेना में, और एवरी वन इज इक्वल, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मजा आएगा रहने में. वहाँ पर आपको लगेगा येस देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, सो यू विल फील रिस्पेक्टेड. डेफिनेटली डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन इज केटर्ड बाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर ये केटर होती है और बहुत अच्छे से निभ पाती है. सो दिस एक्सपेक्टेशन इज राइट. हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस फेयर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो दिस इज राइट, सही है बिल्कुल. Alright children, so with this we have completed our entire chapter of outcomes of democracy, which was very easy. By the way, isme I think koi doubt hona nahi chahiye. Agar hai, you can definitely come on Telegram and you can post your doubt. But this is just the gist of the entire chapter. Aur iska gist maine yahan hi de diya tha aapko, theek hai. Agar aapko by chance aisa lage ki theek hai, fatafat quick revision karna hai, can just come to this
chart and then you can have your revision. And this is also expectations, क्या क्या कर सकते हैं हम. Alright, of course democracy better form of government क्यों होती है. So these are the things which we can rely on. Of course fly high question, my favorite part. Alright, और मुझे लगता है कि आपका फेवरेट है कि नहीं, आई डोंट नो. मोस्ट ऑफ द किड्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यू नो ब्यूटिफुली द आंसर. इवन कई बार क्या होता है, दे राइट द एंटायर सेंटेंस ऑल्सो, विच इज वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड. डेमोक्रेसी क्या सक्सेसफुली एलिमिनेट करती है? कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल, differences of opinion about how marginalized sections are to be treated, the idea of political inequality. ठीक है, अब इसमें से एक बार फिर समझ लो क्या करना है. Democracies have successfully eliminated, क्या उन्होंने डेमोक्रेसी में एलिमिनेट किया है, क्या एलिमिनेट मतलब हटा दिया है डेमोक्रेसी से अच्छे तरीके से. इसमें से आपको बताना है इनमें से क्या क्या एलिमिनेट हुआ है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन को ढंग से समझना है. कई बार क्या होता है कि आप वैसे यू आर एबल टू आंसर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे थे, वहाँ कन्फर्म कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है. तो इसलिए क्वेश्चन को दो बार पढ़ने से क्या होता है कि जो भी हम करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं वो हमारा ठीक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन में कुछ और हम अपने मतलब से कर रहे हैं. जस्ट दैट वी नीड टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसा होता है वी नीड टू सी द करेक्ट. इसमें तो आई एम नॉट गिवन यू द कोड्स, कोड्स को ढंग से देखना है. अगर कोड्स को ढंग से नहीं देखोगे पूरा का पूरा आंसर आता आता होगा तब भी वो गलत हो जाएगा. दिस इज द ओनली थिंग, हमें क्वेश्चन को रीड करना है. ये तो ईजी, इसमें टिक मार्क मारना है जस्ट, बट ऑफकोर्स जब कोड मिलेगा यू हैव टू सी दैट कोड. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स वर्क ऑफ उड़ान बैच, दैट इज यू नो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. एंड ऑफकोर्स आई विल बी बैक विद यू गाइज विद वन शॉर्ट सीरीज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जो कि बहुत मजा आएगा उसको करने में. एंड विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चन विद यू नो दैट एमसीक्यू भी करेंगे, थोड़े से ऑब्जेक्टिव तो कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी करेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.